हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MD2 रीड पब्लिकेशन में। दोस्तों, आप सभी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से खुशखबरी आ रही है। जिन कैंडिडेट ने हरियाणा लैब अटेंडेंट के लिए एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है। ये पहली ऐसी भर्ती है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो बगैर इंटरव्यू निकाली थी, और उसका रिजल्ट आज वेबसाइट पर आ गया है। हालांकि इससे पहले तबला प्लेयर का रिजल्ट आ चुका है, जिसका बगैर इंटरव्यू लिस्ट लगनी है। इसमें सिर्फ DV होगा, और DV के बाद जो विदाउट गवर्नमेंट जॉब के जो कैंडिडेट हैं और एक्सपीरियंस जिन्होंने लगाया, उनको नंबर मिल जाएंगे और आपकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी। तो इसमें कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, उसके लिए तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि हमारा लैब अटेंडेंट का जो रिजल्ट है, वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया। एडवर्टाइजमेंट 11/2017, कैटेगरी नंबर 5, टोटल 162 पोस्ट थी इसमें हमारी। और आपकी जो DV है वो कब से शुरू हो जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो DV है वो 12/12/2018 यानी कि 12 दिसंबर को आपको DV के लिए सेक्टर 2 पंचकूला बुलाया है। किसी प्रकार की धांधली की कोई संभावना नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जिसका इसमें नाम आया है, सिर्फ ये ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं बुलाए हैं। इसमें बोला गया है कि बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर हैव बीन कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोविजनली टू ए सर्टेन एलिजिबल कैंडिडेट इन फॉर। तो मतलब इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बुलाए हैं, 2 से 3 टाइम कैंडिडेट बुलाए होंगे मैक्सिमम। तो दोस्तों, इसमें मेरा कहने का जो मोटो है ये यही है कि जिसके इसमें नाम आए हैं सब बधाई के पात्र हैं, आपने मेहनत की। कट ऑफ काफ़ी हाई गई है इसमें। एग्जैक्ट के लिए मैं एक पोल करा लेता हूँ चैनल पर, और उसके हिसाब से मैं 1-2 दिन में हरियाणा लैब अटेंडेंट की कट ऑफ के लिए एक वीडियो आपको बनाकर अपने चैनल पर डाल लूँगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।